तो यार जिस बात का शक था वो बात वाकई हकीकत में दिखती हुई नजर आ रही है। और वो हकीकत क्या है वो आप सब जानते ही हैं। और इस बात की जो है वो बड़ी एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे कि यार इंडिया जो है वो अपने फेवर में डिसीजंस को मैनिपुलेट कर रहा है। और ये बात जो है वो मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरा सोशल मीडिया भी कह रहा है, और साथ साथ जो है वो बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट भी कह रहे हैं। और ये बात कहने की बेसिकली वजह क्या है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता देता हूँ कि बेसिकली वजह ये आई है कि यार जितने भी मैचेस इंडिया के हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हुए, पाकिस्तान से हुए, श्रीलंका से हुए, ऑस्ट्रेलिया से हुए, साउथ अफ्रीका से हुए, इन जितने भी बड़ी टीमों के साथ हुए उन टीमों में जो है वो टीम जो है वो बकरी बनी हुई नजर आई है भाई, सीधी सी बात है। और इंडिया उस मैचेस में डोमिनेट करता हुआ नजर आया है। अच्छा अब जब बात करें हम इंडिया की कारकर्दगी की वर्ल्ड कप से पहले की, तो उनके बॉलर ना स्विंग कर सकते हैं ना स्विंग कर रहे थे बॉल को, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है तो बॉलिंग जो है उनकी स्विंग भी होती है, स्विंग भी होती है, टर्न भी होती है, इन स्विंग भी होती है, आउट स्विंग भी होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो लोगों ने रेस किए, और उनके उनके रेस करने की वजह से जो है वो मैंने जो है वो इस बात को आप लोगों के सामने रखा। अच्छा कुछ लोग जो है वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, लास्ट मेरी वीडियो पे अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बार में लिंक दे देता हूँ, इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों को लास्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात किया। अच्छा लोग ये कह रहे हैं कि यार आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा एजुकेटेड हो जाए, आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो यार बात ये है कि जब एक बात चलती है एक जगह पर, किसी ने कह दी गलत बात, चलो मैं मुझे समझ आती है, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर जब ये बात चल रही हो और खुद जब बैट्समैन जो है वो हैरान हो जाए इस बात पर कि जब वो थर्ड एम्पायर से रिव्यू ले रहा हो तो वो इस बात पर हैरान है कि बॉल जो है वो आउट ऑफ द स्टम्प होने के बजाय जो इन स्टम्प कैसे आ गई। ये एक बड़ा जो है वो एक अजीब सी बात हुई थी, आप लोगों को शायद याद भी हो साउथ अफ्रीका के मैच में। और बैट्समैन जब वेट कर रहा था कि यार थर्ड एम्पायर रिव्यू करेगा, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार मैं जो है वो तो आराम से बच गया क्योंकि ये बॉल जो है वो आउट साइड द स्टम्प जा रही है, लेकिन वो जब उस पर रिव्यू दिया देखा जाता है तो वो बॉल जो है वो इनसाइड ऑफ द स्टंप आ रही होती है। अब इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैनिपुलेशन है भाई, सीधी सी बात है, दिख रहा है, और जब अब जो चीज़ दिख रही होती है वही समझ आ रही होती है। और जब बैट्समैन खुद भी हैरान है इस बात पे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कैसे आउट हो गया, वो बेचारा खुद पूछ रहा है यार ये कैसे हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो बड़ा एक सोशल मीडिया पे बवाल पैदा कर रहा है। और इसी बात को जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, साथ में अभी भी बता रहा हूँ कि यार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वाकई जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं जा रही हैं। इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा आगाज हुआ, इंडिया ने होस्ट किया नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें डाउट लग रहा है, लोगों को लग रहा है, और लोग उस बात का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा किसी भी चीज़ की ओपिनियन रखना, किसी भी बात का जो है वो एक अपना ओपिनियन रखना, या हर एक का हक है। मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ कि यार ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा कुछ है, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, बल्कि बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैं विराट कोहली की बड़ी तारीफ की थी, एज कम्पेयर टू बाबर आजम, उनको कंपेरिजन बनता नहीं था और ना बनता है, इस बात को मैंने जो है वो वीडियो पे भी बताया आप लोगों को। तो उस पे जो है वो लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि यार आप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एनालाइज कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा जो है वो करते हैं। फिर जब मैं किसी बात पे क्रिटिसाइज करूं या कोई ऐसी बात जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा बर्पा कर चुकी है तो उस पे अगर मैं बात करूं तो फिर लोग ये कहते हैं कि यार आप जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं जिसके जो सर है ना पाँव है, और आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये है वो है, फिर वो पर्सनल जो है वो ओपिनियन देना शुरू हो जाते हैं। खैर जी ये एक बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो मेरा ओपिनियन है वो यही है। अब बात आगे और भी है जिसपे जो है वो हसन रजा जो है वो एक्सीलरेटर, उन्होंने भी ये बात कही कि यार इंडिया को कोई खास बॉल दी जाती है तो उस पर वसीम अकरम ने बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स किया था। अब हसन रजा का एक अलग स्टेटमेंट है, उनका एक अलग ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उनका हक है। और उन्होंने कहा भी है कि यार ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, और इस पे जो है वसीम अकरम ने उसकी नफी करी और उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। जहां तक थर्ड एम्पायरिंग पे सवालात उठ रहे हैं वो चीजें जो है वो बड़ी समझने से जो है वो बालातर है, और उसको समझने में जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, और इसके पीछे बेसिकली हकीकत क्या है वो भी जो है वो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें समझ आएगी। लेकिन खैर जी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कि हम नहीं समझ सकते हैं, हमारे दिमाग
नहीं समझ सकता, वो उनको समझने के लिए शायद मुझे वो वाली एजुकेशन चाहिए होगी जो मेरे पास नहीं है, तो वो वाली एजुकेशन। क्योंकि यार मैं तो बचपन से क्रिकेट देखता देखता जो है वो अब इस उम्र पे हूँ, मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार जो मुझे फील हो रहा हो कि यार वो आउट साइड द स्टंप बॉल जा रही हो और वो एकदम विकेट पे आके लग जाए, बिल्कुल एक 360 एंगल से जो है वो चेंज हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जी लोग कह रहे हैं कि यार ऐसा पॉसिबल है, तो जब है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोगों की अपनी राय है, मेरी एक अपनी राय है, और ये चीजें जो है वो बड़ी खैर खुल के सामने आ रही हैं, आप लोगों ने जैसे कि स्क्रीनशॉट्स पे देख भी लिए होंगे। खैर जी ये सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन जो है वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है और उस सिलसिले में जो है वो इंडिया जो है वो बड़ा डोमिनेट कर रहा है हर तरीके से, 8 के 8 मैचेस खेले उसने और 8 के 8 जीते हैं, और इस बात पे मैं कॉन्ग्रेट्स भी कहता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो कि नहीं होने चाहिए थे वो हुए, और बहुत सारे लोगों ने ये बात भी करी है कि यार विराट कोहली की बर्थडे थी और विराट कोहली की बर्थडे पे जो है वो उसको उनको बर्थडे सब बर्थडे प्रेजेंट दिया गया है और इस वजह से शायद ये कुछ हुआ है। खैर ये एक बात है जो कि हर जगह पे सोशल मीडिया पे फैली हुई है, हर एक पेज, हर एक बंदा, हर एक लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं कोई राय नहीं दे रहा, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, बस मेरा यही कहना है कि यार जो चीज़ें हो रही हैं वो शायद सही नहीं हो रही, और आगे क्रिकेटिंग कैरियर दिस इज़ वेरी शेमफुल एंड डिफिकल्ट दूसरे लोगों के लिए कि यार वो जो जो जब कोई और होस्ट करेगा फिर उनके उस वक्त क्या होगा। तो ये एक बड़ी एक सोचने वाली बात है, और इस बात के साथ ही जो है वो मैं इस वीडियो को अख्तितम करता हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, और जिन लोगों को समझ नहीं आई वो कमेंट भी कर सकते हैं, और जिनको समझ आ गई है वो भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।